हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो आती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आज की वीडियो होने वाली है Realme UI 2.0 वर्सेस Realme UI 3.0 के अंदर जो गेम स्पेस रहने वाला है, क्या क्या डिफरेंस इन दोनों के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या नए नए फीचर्स हमें ऐड होने को देखने को मिलेंगे और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर से रिमूव होने वाले हैं Realme UI 3.0 के अंदर, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है Realme 7 Pro और इसके अंदर अगर आप मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर गेम स्पेस और यहाँ पर गेम्स, ये दोनों ऐप मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। गेम स्पेस तो Realme UI 2.0 का ऑफिशियल ऐप है, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इसे देख लो। तो कुछ इस तरीके का ये ऐप है और यहाँ पर ये वाला फीचर भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर लो पावर मोड, बैलेंस मोड, प्रो गेमर मोड मिल जाता है। सारे फीचर्स के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। यहाँ पर देखो, स्मार्ट डुअल चैनल नेटवर्क, ब्राइटनेस लॉक, ऑटोमेटिक एडजस्ट वाला, ये सारा कुछ सिस्टम है यहाँ पर। जैसा कि हम सभी को पता है, Realme 7 Pro के अंदर Realme 3.0 आएगा, ये कन्फर्म कर दिया है Realme ने। तो इसके अंदर जैसे ही Realme 3.0 लॉन्च होगा, उसके बाद यहाँ पर ये गेम स्पेस कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले ऐप के अंदर, गेम्स के अंदर। ये भी मैं आपको ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। और यहाँ पर एक चीज आपको खास ध्यान रखनी चाहिए कि भाई ओप्पो का कलर OS, OnePlus का ऑक्सीजन OS और Realme का Realme UI, ये तीनों अब मर्ज हो जाएंगे और एक ही UI तीनों फोन्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। सेम सिस्टम हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, मतलब ये My Games ये वाला ऐप जो है ये OnePlus का ऑक्सीजन OS का ऐप है। अगर आप OnePlus के करंट डिवाइस को देखोगे तो उनके अंदर सेम टू सेम आपको यही वाला ऐप देखने को मिलेगा। इसे परफेक्ट काम करने के लिए जो एंड्रॉयड वर्जन चाहिए वो एंड्रॉयड 12 चाहिए, एंड्रॉयड 11 पे ये परफेक्टली काम नहीं करेगा। वो मैं उसका डेमो मैं आपको अभी इसी के अंदर दिखा दूंगा। लाइक अगर हम यहाँ पर इसकी सेटिंग के अंदर जाना चाहें तो ये फिर होम स्क्रीन पे आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इसके फीचर्स जो है वो दिखा देता हूँ ऐसे, बट ये बैक जाता रहेगा, अभी यूजेबल नहीं है। जस्ट मैं वीडियो पर्पस के लिए मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ अपने फोन के अंदर। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो ऊपर यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ये पहला तो है स्टैट्स का, दूसरा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का और तीसरा जो है मेन्यू का है। पहला स्टैट्स का है, तो स्टैट्स पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी स्टैट्स आ जाएंगी कि आपने कौन सी गेम कितने टाइम तक खेली है, कौन से दिन पे, वीक वाइज देख सकते हो। उसके बाद मोस्ट प्लेड गेम्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आपने इसके अंदर मल्टीपल गेम्स ऐड कर रखी होंगी तो वो सारा का सारा यहाँ पर आपके सामने शो करेगा। और अभी अगर मैं बैक जाऊँगा तो होम स्क्रीन पर चला जाएगा। देखो, ये होम स्क्रीन पर चला गया है। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि एंड्रॉइड 11 पे है, ये एंड्रॉइड 12 पे परफेक्ट काम करे। उसके बाद जो सेकंड फीचर है ये है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं गेम कैप्चर, यहाँ पर आप देख सकते हो रीसेंट, और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारी आ जाएंगी जो भी आपने कैप्चर की होगी यहाँ पर देखो। तो ये भी एक नया फीचर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। जो थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ऐड गेम्स का है, स्विच लेआउट का है और सेटिंग का है। स्विच लेआउट पर देखते हैं, अगर ये दिखा देते हो देखो, इस टाइप से भी हम इसे कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप गेम ऐड कर दोगे तो यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आएगा और इसमें भी थ्री डॉट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर गेम फोकस मोड बाय डिफॉल्ट है और उसके बाद गेम कैप्चर है। तो यहाँ पर फिलहाल ये फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं पुराने Realme UI 2.0 के गेम स्पेस के मुकाबले Realme UI 3.0 के गेम स्पेस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो मेजर फीचर हमें देखने को मिलेगा वो है रियल टाइम FPS मीटर। अगर हम करंटली Realme UI की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से FPS मीटर देखने को मिलता है, जिसे हमें साइड से स्वाइप करके, जब हम इसे स्वाइप करेंगे तभी यहाँ पर हमें FPS और वो सारा कुछ शो होगा। बट Realme UI 3.0 में जब ये गेम स्पेस आएगा तब हमें यहाँ पर रियल टाइम शो होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप आराम से देख लो, FPS ही शो कर रहा है, CPU यूजेस शो कर रहा है और CPU शो कर रहा है। तो ये सब हमें रियल टाइम ही शो होता रहेगा, जिससे हमें लैग और फ्रेम ड्रॉप्स जो है वो आसानी से दिख पाएंगे और यहाँ पर काफ़ी कुछ हमें बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो स्वाइप UI है उसके अंदर भी हमें काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। लाइक Realme UI 2.0 का स्वाइप करने पर देखो, हमें ये फीचर्स मिलते थे इस वाले UI के अंदर, जिसके अंदर हमें टच ऑप्टिमाइजेशन मिलता है अगर हाई एंड फोन है तो। उसके बाद गेम फोकस मोड है, परफॉर्मेंस मोड्स हमें मिल जाते हैं, प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद ऊपर यहाँ पर हमें हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ और डिसेबल करने के लिए। तो ये फीचर्स हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं Realme UI 3.0 में। जब गेम्स का ये ऐप आएगा तो इसके अंदर हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा लाइक कितने टाइम से हम गेम खेल रहे हैं। सेकंड है टेम्परेचर फोन का, उसके बाद बैटरी परसेंटेज और FPS, CPU, GPU जो है ये यहाँ पर सेंटर में इन्होंने शिफ्ट कर दी है। ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए नीचे यहाँ पर ये बार दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये मोड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये UI हमें कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी Realme UI 3.0 के अपडेट के बाद Realme के फोन्स के अंदर। उसके बाद बात करें अगर टच ऑप्टिमाइजेशन की, मतलब अगर आपके फोन के अंदर टच सैम्पलिंग रेट हाई है
है और आप उसे एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर Realme 2.0 के अंदर भी आप कर सकते हो। Realme 3.0 के अंदर आने वाला है तो उसके अंदर भी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो और यहाँ पर ये भी एडजस्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन ड्रॉअर मिस टच प्रिवेंटेशन होता है कि अब अगर हम कुछ इस तरीके से गेम खेल रहे होते तो कुछ ऐसे कर देते हैं तो ये नीचे की नोटिफिकेशन बार आ जाता है। इसके अंदर अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो वो नोटिफिकेशन बार शो नहीं करेगा जब तक आप इसे डिसेबल नहीं करते। उसके बाद अगर सेटिंग की बात की जाए तो देखो दोनों के अंदर ये सेम डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। जो Realme UI 2.0 के गेम स्पेस के अंदर क्विक स्टार्टअप आता है उसका नाम लाइटनिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा और जो हमारे पास मोड्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे प्रो गेमर मोड, बैटरी सेवर मोड, बैलेंस मोड, उसकी जगह हमें यहाँ पर प्रो गेमर मोड एक हाई परफॉर्मेंस के लिए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बट जितना उम्मीद थी Realme UI 3.0 के अपडेट के अंदर कि भाई इतने तगड़े तगड़े जो फीचर्स ऐड किए जाएंगे तो उतना कुछ खास नहीं है। लाइक यहाँ पर देखो ओल्ड में गेम फोकस मोड यहाँ पर कुछ इस तरीके का होता था और ये इसके अंदर हो सकता था। और जो Realme UI 3.0 के अंदर आएगा उसके अंदर भी सेम टू सेम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ब्लॉक क्विक सेटिंग, ब्लॉक जेस्चर एंड नेविगेशन, ब्लॉक गेम टूल किट, ब्लॉक नोटिफिकेशन और ब्लॉक कॉल्स, अलार्म्स, तो ये टाइप के फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये था एक कंपैरिजन Realme UI 2.0 के गेम स्पेस में और Realme UI 3.0 के गेम ऐप के अंदर, जिसका नाम गेम स्पेस से गेम कर दिया जाएगा 3.0 के अंदर। मुझे पर्सनली वो कुछ खास नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड यूजर इंटरफेस। ये वाला मेरे को ज़्यादा पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।